नमस्कार दोस्तों, मैं इंशान सिंह, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पॉइंटर की। तो पॉइंटर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, तो इस वीडियो के पूरे ट्यूटोरियल में मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्विज देने वाला हूं। तो उसके पहले आप से उम्मीद करता हूं वीडियो को पूरा देखें और लास्ट इंटर देखें। मैं पूरे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझाता हूं। हालांकि ये पहला पार्ट है, तो अगले पार्ट में मैं पूरे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंटर क्या होता है। बेसिकली आप ये जान लीजिए, ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कीप्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन इन विच डेटा इज स्टोर्ड। एज मेमोरी सेल इन कंप्यूटर हैज एन एड्रेस दैट कैन बी यूज टू एक्सेस द लोकेशन थ्रू द पॉइंटर। वी कैन चेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन। यानी कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। किसका जैसा कि एक सपोज दैट आपके एक पॉइंटर है, वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है। किस लिए, कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। पॉइंटर क्या करता है कि जो डेटा स्टोर होता है हमारा मेमोरी में, उसकी लोकेशन को एक्सेस करता है, उसको पॉइंट करता है। और जो मेमोरी होता है, जो मेमोरी की सेल होती है, वो कंप्यूटर में उसके अंदर एक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस को लेने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, उसी एड्रेस को जानने के लिए। तो अभी हम आगे चलेंगे। पॉइंटर की कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आपको मेमोरी के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं पॉइंटर में। जैसे अभी सपोज दैट ये हमारे पास एक मेमोरी है, तो जिसमें कई सारे ब्लॉक्स हैं, कुल मिला के 3, 6, 7 ब्लॉक्स बने हैं। और मेमोरी में या तो हर एक ब्लॉक में या तो 1 स्टोर होगा या तो 0 स्टोर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनके पास, जैसे कैलकुलेटर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप जो भी है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं। हमारे आपके लैंग्वेज तो समझेंगे नहीं भाई, मैं तू हिंदी भी समझ ले, इंग्लिश समझना, वो क्यों ले की लैंग्वेज समझेगा बाइनरी नंबर्स को भाई। 0 1 कितना भी भैंस के आगे बीन बजा लो, वो केवल 0 और 1 को ही समझेगा। ओके, तो एक अभी देख लो, एक एरे की तरह हम इसको समझ सकते हैं। सपोज दैट ये एक एरे है, तो इसमें क्या होगा कि कहीं जगह पे या तो 1 स्टोर होगा या तो कहीं पर 0 स्टोर होगा। अब अगर बात यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की हो या मैग्नेटिक मेमोरी की हो, इसमें एक बिट को, यानी कि जो यहाँ पे 0 स्टोर होगा चाहे 1 स्टोर, अगर वो ट्रू होगा तो वो क्लॉकवाइज दिखाएगा, यानी कि उसकी जो एरर होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और अगर वो 0 होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो कंप्यूटर कभी कभी एक बिट को अकेले पढ़ता लिखता नहीं है, ये हमेशा 8 बिट को एक साथ लेके पढ़ता है। मैंने साथ ही इसमें लिखे हैं, लेकिन वो 8 बिट को एक साथ पढ़ता है, और 8 बिट को एक बाइट समझते हैं, ठीक है। तो अगर जो ये कंप्यूटर हमारे यहाँ ऊपर जो एरे में दिखाई है, अभी एरे दिखाई दे रहा है, या कोई मेमोरी में जो डेटा स्टोर है वो दिखाई दे रहा है, इसको हम पढ़े तो 1 1 1 0 0 0 1 हमें ये एड्रेस मिलेगा। आगे हाल की एक और बढ़ा लो 1, ठीक है। तो कंप्यूटर जो किसी भी मेमोरी का पहला एड्रेस पढ़े तो उसकी बाइट 8 बिट मिली, और दूसरी पढ़ेगा तो उसकी अलग मिलेगी। तो अभी चलिए एक टेबल के जरिए समझते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक टेबल आ गई है, इसमें 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, तो ये कुछ हमारे पास डेटा है जो कि बाइनरी नंबर में, इसमें मैंने एकदम इक्वल इक्वल लिया, 8 9 9 ले लिया मैंने फिलहाल यहाँ पे। तो अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, अभी 1 सेकेंड, अभी सॉरी, यहाँ पे 1 लिया इसने और फिर यहाँ पे 1 लिया, यहाँ से लेके 3 3 6 2 8 यहाँ तक पूरा एक बिट कुल मिला के 8 बिट है। इन 8ों बिट को मिला के वो एक बाइट पढ़ेगा। तो अगर चाहे वो 0 0 0, यानी कि 8 बार 0 से लेके 8 बार 1 तक की कोई भी संख्या होगी, वो 8 अंकों की बाइनरी संख्या ही वहाँ पे स्टोर हो सकती है। और इसलिए ये जो हमारा 0 1 1 है, ये 1 1 0, ये पढ़ने में आसान है, पढ़ने में हम इजीली पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं कि डेसिमल में पढ़ते हैं, यानी कि 0 0 0 की वैल्यू, यानी कि 8 times 0 की वैल्यू हम 0 ही मानेंगे, और 8 times 1 की वैल्यू हम 2 to the power 8 - 1, यानी कि 255 डेसिमल में मान ली जाएगी। तो इसके अभी हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई कैरेक्टर हो गया, अभी कैरेक्टर जो भी होता है वो क्या करता है, एक बिट वैल्यू को स्टोर करता है। कितने बिट वैल्यू को स्टोर, 1 byte value, यानी कि उसमें 8 बिट्स स्टोर होंगे, चाहे वो 0 0 0 हो, चाहे वो 1 1 1 1 हो।
तो एक ASCII टेबल होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर सपोज दैट हमने A को स्टोर किया तो उसकी वैल्यू होगी 97, यानी कि 97 का मतलब होगा 0110001, तो वो वैल्यू स्टोर होगी। तो उसको कन्वर्ट करेगा ASCII कोड को, क्या करेगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी यानी कि जो भी कैरेक्टर हो, ABCD हो गया, सबका एक ASCII कोड होता है, उसको वो कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो 255 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि A से लेके जो भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर हो गया, सिंबल्स हो गए, उन सब की वैल्यू 255 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसीलिए यह एक बाइट डेटा लेता है। और वहीं अगर बात करें शॉर्ट इंट की, तो शॉर्ट इंट वेरिएबल जो होता है वो 2 बाइट यानी कि 16 बिट 2 बाइट लेगा, तो भाई 16 बिट डेटा आसानी से वो लेता है। और ये 0 से लेके 65535 तक, यानी कि -32768 से लेके +32767 तक, एक कम, ये मैंने प्लस लिखा है, हल्के मैंने प्रेजेंटेशन में माइनस दिखाया है, लेकिन वो प्लस है, ठीक है, सही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, 16 बिट डेटा है इसके पास, इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर 65535 तक, यानी इतने के बीच में रह सकती है। अगर वही बात करें अनसाइंड शॉर्ट इंट की, तो ये क्या करता है, ये भी 2 बाइट की जगह लेता है, बट ये निगेटिव वैल्यूज़ को नहीं एक्सेप्ट करता, इसलिए ये 2 बाइट वैल्यू लेगा और 0 से लेकर 65565 तक ही डेटा सीधा सीधे इसमें स्टोर होगा। यहाँ पे -32768 से नहीं स्टार्ट होगा, +32768 से भी तक नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली पूरा का पूरा जाएगा, यानी कि 65535 तक जाएगा। अगर वहीं बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर 4 बाइट मेमोरी लेता है, कितनी बाइट मेमोरी लेता है, 4 बाइट मेमोरी लेता है। और इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है, इसलिए इंट में -2^31 से लेके 2^31-1 तक की वैल्यूज़ को ले सकता है, एग्जिस्ट करता है। और वही बात करें अनसाइंड इंट की, तो ये भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेता, लेकिन ये भी 4 बाइट डेटा लेता है। तो ये क्या करता है, 0 से लेके 2^32-1 तक की वैल्यूज़ को लेता है। अगर वहीं बात करें फ्लोट की, तो फ्लोट और डबल, ये इसमें डिफरेंस इतना रहता है कि फ्लोट 4 बाइट डेटा लेता है और डबल जो होता है वो 8 बाइट डेटा लेता है। और साथ ही साथ फ्लोट भी डेसिमल नंबर्स को भी लेता है और डबल भी दोनों नंबर्स को लेता है, लेकिन इनके स्टोरेज के फॉर्मेट जो होता है उसको डिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसी कंडीशंस में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कैसे उसको डिक्लेयर किया जाए। तो मैं अगर आपको बता दूं कि जो कोई भी वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है या जहां स्टोर होता है उसका खुद का अपना एड्रेस होता है, जो कि यह बताता है कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू मेमोरी में कहां है, और इस एड्रेस को ही पॉइंटर कहते हैं, आप ये जान लीजिए। और सी प्रोग्रामिंग हमें ये एक सुविधा प्रदान करती है कि किसी वेरिएबल के एड्रेस को हम जान सकें। वेरिएबल का एड्रेस वह मेमोरी एड्रेस जहाँ वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है। सी भाषा में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जानने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम एक एक चीज़ करके जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, तो जिस तरह से हम इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट आज के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उसी तरह वेरिएबल के एड्रेस को भी हम किसी डेटा टाइप में भी स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए एक नया डेटा टाइप होता है जो कि एड्रेस स्टोर करने के काम आता है। किस तरह से इंटीजर स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप का प्रयोग होता है, किसी इंट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए इंट एस्ट्रिक उसका डेटा टाइप प्रयोग करते हैं, इसी तरह कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को कुल मिला के पॉइंटर कहा जाता है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक इंट एक्स की वैल्यू है, इंटीजर है, उसका डेटा टाइप यानी कि 7 है, और यहाँ पे मैंने ये जो ऑपरेटर लिखाए हैं मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इंट है यहाँ पे मैंने इसको पी से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब पी से डिक्लेयर कर दिया है स्टिक लगा के। और ये क्या बताएगा ऑपरेटर, ये बताएगा ये कि जो इन टाइप का टाइप वो पी में जाएगा, पी में स्टोर होगा। उसके बाद ये जो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एड्रेस ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को
क्योंकि जहाँ पे हमारा एक्स स्टोर होगा यानी कि जहाँ पे हमारा 7 स्टोर होगा उस वैल्यू को बताएगा कि भैया 7 किस नंबर पर हमारा स्टोर हुआ है। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम के जरिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। और चलिए हम अपने प्रोग्राम विंडो पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे इंट इज मेन लिया मैंने, ये सब छोड़िए। अब मैंने इंट वाई इनिशियलाइज कर दिया, वाई को डिक्लेयर कर दिया, इंट वाई को डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया अच्छे से। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे जो इंट है उसको मैंने इंट डेटा टाइप यानी कि पी मान लिया, ठीक है। और उसमें जो एक एड्रेस ऑपरेटर लगा के मैंने ये वाई कहाँ स्टोर होगा उसकी वैल्यू को जानने की कोशिश की कि वाई हमारा भैया कहाँ पे स्टोर हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, वाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया कि एड्रेस क्या है उसका, उसका एड्रेस और यहाँ पे उस जो वैल्यू है उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो अभी चलिए इसको रन करते हैं, रन करके देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने रन किया इसको, ये y इज इक्वल टू 6 यानी कि जो y की वैल्यू थी वो कितनी प्रिंट हो गई, 6 प्रिंट हुई। और जो उसका एड्रेस है वो कुल मिला के 64,87,620 है। मेमोरी में इसकी जो लोकेशन है वो 6 नंबर पे है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लासरूम का कोड मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस सारी जानकारी को पढ़ें। तो अब मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में।